दोस्तों, आपने मेरा पिछली वाली वीडियोस को फॉलो करके अगर अपना विंडोज 11 में एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर भी लिए और गूगल प्ले स्टोर को भी इंस्टॉल कर भी लिए, अगर गूगल प्ले स्टोर को आप इंस्टॉल अभी तक नहीं किए हो तो उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पंगा ये है दोस्तों, अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना तो बहुत सारा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन वर्क करेगा, कौन सा एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा? तो इसके लिए एक मेरे पास सोल्यूशन है, सिंपल सा एक फंडा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गिटहब का एक एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी एक लिस्ट है जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहे हो वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो उसमें अगर कोई बग है तो क्या बग हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 3 रिमार्क दिया गया है। अगर ग्रीन कोई एप्लीकेशन के बगल में ग्रीन है तो मतलब वो वर्क करेगा, अगर येलो है तो मतलब ये पर्सनली वर्क करेगा कुछ प्रॉब्लम के साथ, लेकिन अगर ये रेड मार्क के साथ दिखाया गया है तो ये वर्क नहीं करेगा। इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ग्रीन है, येलो है और रेड है, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो सब यहाँ पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसके मदद से आपको एक परेशानी खत्म हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लूंगा वो कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इन फ्यूचर उम्मीद करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगा अपने आप को और सारे एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रन कर जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा।